अशांति आने के पांच स्थान में से पहला है संसार, दूसरी है जम के बोलो संपत्ति। संपत्ति अगर आए, वैभव अगर आए, कुर्सी अगर मिले, सत्ता अगर मिले, तुम्हें पद प्रतिष्ठा भोलेनाथ जी की कृपा से अगर मिल जाए, तो ये प्रयास करना कि हमारी संपत्ति से, हमारी कुर्सी से, हमारी प्रतिष्ठा से, हमारे पद से हम भगवान का कितना भजन कर सकते, दुनिया के लोगों के मुख से हम कितना शुभ नाम निकलवा सकते। ये महापुराण करा, महापुराण करी क्या? महापुराण ने केवल एक कार्य करा, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान युवान, बूढ़ा बच्चा, सबके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया। इस शिवपुराण ने करा क्या? घर के बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति सबसे एक लोटा जल शंकर जी पे चढ़वा दिया। महापुराण ने करा क्या? महापुराण ने ये करा कि आज घर के अंदर रहना कैसे, घर के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भगवान का व्रत कैसे करना चाहिए, शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर की स्तुति कैसे करना चाहिए, ये महापुराण ने हमें सिखा। और नहीं आज के व्यक्ति को सीखने को मिल रहा है, नहीं तो आप पूर्व समय का चरित्र निकाल, गणेश जी के चूहे की कथा थी, संपूर्ण देशवासियों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री गणेश जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की, भगवान श्री गणेश जी महाराज के विराजमान होने की, संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को बहुत शिव महापुराण ने समझाया, महापुराण ने ज्ञान प्रदान किया। और नहीं तो एक पुराना चरित्र है सोभरी ऋषि, सोभरी जिनकी धर्म पत्नी का नाम था मनुमय। सोभरी ऋषि और मनुमय दोनों शिव की आराधना के बिना एक दिन भी नहीं निकलता। सोभरी ऋषि अगर भगवान शंकर की आराधना करना भूल जाए तो मनोमयी भगवान शंकर की आराधना में नहीं। दोनों पति पत्नी का नियम था, सोभरी ऋषि का भी और मनोमयी का। इतनी शिव भक्ति इनके अंदर समाहित हो गई कि बिना शंकर के एक क्षण नहीं देख पाते थे। एक क्षण अगर एक शंकर को उठा लेते थे तो हाथ में रखकर शंकर को देखते थे, एक पत्ती को तोड़ लेते थे तो उस पत्ती में भी बेलपत्र का दर्शन किया करते थे। कई कई माताएं ऐसी हैं, कई कई भाई ऐसे हैं कि वो किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ते हैं और शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो उस भाव से चढ़ाते हैं जैसे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। नहीं उसके पास में बेलपत्री, पर वो कोई भी पत्ती चढ़ा रही है तो शिव के भाव से कि बेलपत्र के भाव से। जो कुछ समर्पित कर रही है वो भाव से समर्पित कर रही है, और बिना भाव के परमात्मा मिले कैसे? भगवान बिना भाव के मिलेगा कैसे? आज हमारे हम कहें हमारी बेटियां या कौए हैं, तीनों देवरानी जेठानियां हैं, रोज प्रतिदिन भाव से भगवान का हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, शंकर जी के लिए, सालिग्राम भगवान के लिए, हमारी जो आराधना रहती है, रोज की पूजन अर्चना रहती है शिव जी की, ठाकुर जी की, सालिग्राम जी की, उसके लिए रोज प्रतिदिन प्रसाद बनाना, सामग्री बनाना, लड्डू भेज देना, सामग्री भेज देना, हलवा भेज देना, सीरा भेज देना, सभी बहुएं और माता ऊपर सामग्री भेज। और मैं आज इसी यादव परिवार की बड़ी बेटी पूनम यादव जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आई कहाँ बेटी? आजा बेटा, आजा। एक भाव अपने भीतर प्रकट कर, और बिना भाव का परमात्मा कभी नहीं है, बिना भाव का भगवान कभी नहीं है। आप भाव से रिझाएंगे तो परमात्मा क्यों नहीं है? सोभरी ऋषि और उनकी धर्म पत्नी मनोमय दोनों का एक भाव था, दोनों भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते, शिव शिव करते रहते, दिन भर भगवान शंकर के गुणगान गाते रहते, दिन भर शंभु शरणे मारे दुख कारण।
तो दया करी दर्शनो शंभु शरण पड़ी मालो घड़ी रे घड़ी दुख आजो दया करी दर्शनो सोबरी ऋषि और मनोमन दोनों सोबरी ऋषि भी भगवान शंकर की आराधना में लीन और मनोमय भी भगवान शंकर की आराधना। अब एक क्रोंच गंधर्व देखिएगा जरा कितना सुंदर भाव है। शुमहापुराण की कथा क्या करती है, दुनिया के लोगों को समझाने का कार्य करती है कि शंकर का भजन कैसे, शिव की स्तुति कैसे। क्रोंच गंधर्व है, देवलोक में रहता, इंद्रलोक में रहता, गंधर्व है, गंधर्व लोक में रहता। पर बुद्धि देखिए कहां गई, उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां चली गई, उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां मारी गई, जरा देखिए। जब सोबरी ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, दोनों पति पत्नी ने मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दोनों ने पूजन करी। पूजन करने के बाद सोबरी ऋषि अपनी धर्म पत्नी मनोमयी से कहते हैं कि लाओ मैं शंकर भगवान का विसर्जन कर आता हूँ, तुम मुझे दे दो, मुझे दे दो। आप मुझे दीजिए। शिव विसर्जन की एक रीति है। भगवान शंकर के विसर्जन की एक रीति सबसे प्रबल रीति है शिव विसर्जन की, कि भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद जब हम पार्थिव शिवलिंग उसको लेकर विसर्जन की ओर जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि घर से जब लेकर जा रहे हो उस समय पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोष से ऊंचा हो। समझ में आया, अर्थात जैसे ये पात्र में शिवलिंग बना हुआ है और पात्र में शिवलिंग है, हमने पाटे पर से उठाया, घर से जब लेकर जा रहे हैं चलते समय ये या तो हमारे मस्तक पर हो, नाभि कोष से ऊपर, या हृदय तक हो, कंठ तक हो, वक्षस्थल तक हो, उदर तक हो, पर नाभि से नीचे वो शिवलिंग हमारे नहीं होना चाहिए, घर से ले जाना चाहिए। और शिवलिंग के विसर्जन का एक नियम बड़ा प्रबल है कि घर से ले जाते समय शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोष से ऊंचा हो और जब हम विसर्जन करने के लिए जाएं तब शिवलिंग का दर्शन विसर्जन के पहले अपने नेत्रों से पूर्ण तरह से करें और बाबा से अपने हृदय की बात कहकर फिर मस्तक लगाने के बाद फिर उस शिवलिंग का विसर्जन अपनी मनोकामना कहते हुए बाबा से उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर ले जाते समय नाभि कोष ऊंचा हो, विसर्जन के समय पर अपने नेत्रों से बाबा का पूर्ण दर्शन किया जाए। पूर्ण दर्शन कैसे होता है, शिवलिंग के पूर्ण दर्शन का महत्व क्या बताया उसको भी समझ लीजिए। भगवान शंकर के पूर्ण शिवलिंग के दर्शन का महत्व, अर्थात ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, राइट गणेश, लेफ्ट कार्तिक, ऊपर से जो जल बहता है वो जया विशहरा शामली बारी दौतरी। अब जब आप भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो ऊपर जलाधारी थोड़ी थोड़ी, आपका केवल शिवलिंग है और जलाधारी, तो आप उसका जब दर्शन कर रहे हैं तो पूर्ण दर्शन का मतलब है जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो भगवान का जल स्थल है जिसको हम कहते हैं जलाधारी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी का स्थान, पहले हम उसका दर्शन करते हैं, फिर अपनी निगाह को घुमाकर हम गोल घुमाकर वापिस उसी स्थान पर आते हैं अपनी दृष्टि से और फिर बाबा का यहीं से दर्शन करते हुए हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जो हम विसर्जन करने गए हैं उसका हम जब दर्शन करें तो दर्शन करने के बाद हम शिवलिंग का दर्शन कर अपने मन की कामना कहकर मस्तक से लगाकर फिर बाबा का हम विसर्जन करते हैं तो हमारे हृदय की कामना मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण जगत करता है। चलो एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि मेरी जीजियां जहां बैठी हैं उत्तर जरूर देंगी। छोटा सा प्रश्न, जगन्नाथ जी गए हो, द्वारका जी कभी गए हो, कभी किसी आप कहीं भी बड़े तीर्थ में जाएं, आप काशी जी जाएं, आप किसी बड़े बड़े वहां पर एक मंदिर होता है साक्षी गोपाल,
या कोई देवता होते साक्षी मान मान जगन्नाथ जी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बनेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बनेंगे, काशी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बनेंगे। साक्षी गोपाल मतलब क्या होता है? आप काशी में गए जल चढ़ाया, उज्जैनी गए जल चढ़ाया, आप जगन्नाथ जी गए आपने भोग लगाया दर्शन किया, और साक्षी गोपाल का मतलब होता है कि साक्षी गोपाल जी के सामने जाकर खड़े हो गए, आपने दर्शन कर लिए, मतलब आपकी दृष्टि से ये साक्षी हो गया कि आप जगन्नाथ पुरी आए थे और बाबा का आपने दर्शन किया है। आप काशी आए थे आपने बाबा का दर्शन किया है, आप उज्जैनी आए थे आपने बाबा का दर्शन किया है। उसी तरह हमने प्रदोष के दिन शिवलिंग बनाया, पूजन करी, संकल्प लिया, आराधना करी, सब कुछ कुछ। हम शाम के समय जब विसर्जन करने जा रहे हैं, विसर्जन करते समय जब नेत्र से हम बाबा का दर्शन करते हैं तो ये साक्षी हो जाती है कि मैंने बाबा को बुलाया और मैंने मेरे बाबा से अपने मन की बात की और मेरे बाबा ने वो स्वीकार करा, मैं बाबा को विसर्जन करता हूं। तो ये साक्षी है हमारे परिजन की, हमारी दृष्टि हमारी साक्षीता देती है। आज के जमाने में अगर आधार कार्ड बनता है तो सबसे पहले नेत्र दृष्टि मार्ग पर कैमरा लगाया जाता है कि अपनी आंखों को फाड़ा, अपनी आंखों को निकाला जाए, देखा जाए, अपनी आंखों से देखो कि क्या साक्षी। फिर उससे मालूम पड़ता है कि ये वही व्यक्ति है, साक्षी करी जाती है कि ये वही व्यक्ति है, ये लीला भाई है कि कमला भाई है, कि कौन है, इससे पहचाना जाता है नेत्र से। ये नेत्र साक्षी देते हैं। तो हम जब भगवान का विसर्जन करने के लिए जाते हैं, विसर्जन करते समय हम भगवान की ये जलाधारी का दर्शन करते 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 यहाँ से आते हैं, फिर दर्शन करते करते शिवलिंग, शिवलिंग का दर्शन करते हृदय प्रणाम करके हृदय से लगाकर फिर हम उसका विसर्जन कर देते हैं। अर्थात हम साक्षी हैं। तेरा तुझको क्या लागे मेरा, बोले क्या लागे मेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। जय जगदीश समर्पण साक्षी। जब आपकी साक्षीता होगी, जब आप दृष्टि से दर्शन कर कर प्रणाम कर कर मन की बात कर कर विनय कर कर जब विसर्जन करेंगे तो देव अधिदेव महादेव उसको स्वीकार जरूर करेंगे। सोबरी ऋषि ने अपने धर्म पत्नी मनोमयी से कहा, मनोमयी तो मुझे देवदत्त महादेव का पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए और मनोमयी मैं इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करता रहता हूं। आप मुझे पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए। बड़े भाव से जा रहे हैं सोबरी ऋषि, मस्तक पर सोबरी ऋषि के पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव लिंग जब तक सिर पर रहता है द्वादश ज्योतिर्लिंग का भार तत्व हमारे ऊपर रहता है। पार्थिव लिंग श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। पार्थिव लिंग सिर पर लेकर सोबरी ऋषि चल दिए। भगवान शंकर का गुणगान करते करते, स्मरण करते करते, भगवत भजन करते करते, नाम जाप करते करते सोबरी बाबा चले। जैसे ही सोबरी बाबा चले शिवलिंग लेकर चले, इतनी देर में क्रोंच गंधर्व जो रहता गंधर्व लोक में, जो रहता देव लोक में, पर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं, चित्त श्रेष्ठ नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंचे पद पर बैठ गया कोई व्यक्ति, बहुत जोरदार कुर्सी पर बैठ गया, बहुत जोरदार सिंहासन पर बैठ गया तो उसकी बुद्धि सही हो जाए। रामचरितमानस में वर्णन आता है, ऊंच निवास नीच कर तुझी देखा ही ना सकी पराई भी। कई लोग ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठने के बाद भी किसी की अच्छाई नहीं देख पाते, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, किसी को आगे चढ़ता हुआ नहीं देख पाते। किसी किसी को लगने लगता है ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की ओर कैसे बढ़ गया, ये तरक्की की ओर कैसे बढ़ गया, ये हमारे सामने का इतना आगे कैसे बढ़ गया। कई लोगों के मन में ये बात कट जाती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनकी बुद्धि नीची ही रह जाती है। एक
एक शब्द आता है, लोग उसको कहते हैं बड़ा नीचा व्यक्ति है, बड़ा नीचा व्यक्ति का मतलब नीचा सोच, उच्च सोचे नीचा व्यक्ति कहलाएगा, नीचा सोच रहा है, उसकी बुद्धि नीची सोच रही है। अब जरा विचार करो, रामचरितमानस में चरित्र आता है जयंत इंद्र का पुत्र है, अच्छा पुत्र है। अब उसकी बुद्धि कहां मारी गई थी वो जयंत की, कि वो जयंत भगवान राम के चरणारविंद की ओर बढ़ा, सीता जी के चरणों की ओर बढ़ा और चोंच मार कर भाग गया। जरा विचार करिए, तुझे मालूम है कि ये भगवान है, तुझे मालूम है तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये नारायण है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि लक्ष्मी है, तो तुझे जाकर चोंच मारने की जरूरत क्या थी? तुझे चोंच मारने की जरूरत क्या? अर्थात फिर आखिर में भोगना किसको पड़ा? कौन को भोगना पड़ा? जयंत दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए, पिताजी ने धक्का देकर निकाल दिया, मैं नहीं बचा सकता। जयंत दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। सबके पास जयंत घूमते रहे, आकाश मंडल में घूमते रहे, बाण उनके पीछे चलता रहा, जयंत भागते भागते थक गए। जब देवऋषि नारद के पास गए, गुरु जी हमें बताओ हमारे पीछे बाण आ रहा है। भगवान देवऋषि नारद ने कहा कि जिसके चरण में चोंच मारी है, जिसका अपमान करा है, वहीं जा। और वहां गए, प्रणाम करा, क्षमा कर दो, तो भी एक आंख बना ही दिया, तो भी एक आंख चली गई, एक आंख समाप्त हो गई। अर्थात व्यक्ति अपने पद पर बैठकर, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठकर धर्म का अहित तो करने का सोच लेता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी रूप में चोट पहुंचा दूं, मैं किसी न किसी रूप में इसका मान प्रतिष्ठा नीचे कर दूं, पर ये नहीं सोचता कि तेरा बाद में क्या होगा। इसलिए कहा जाता है तेरा क्या होगा रे कालिया, उसको समझ नहीं पाता, उसको जान नहीं पाते। इसलिए महापुराण की कथा कहती है अपने विचारों को, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाओ, कितनी ऊंची पदवी पर बैठ जाओ, कितनी ऊंची प्रतिष्ठा पर बैठ जाओ, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हम उस सिंहासन पर बैठकर कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम सिंहासन पर बैठकर कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे। हमारा पद जो हमें मिला है उस पर बैठकर हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, कोई गलत भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर की आराधना को पहचानना कठिन विषय, जितना कठिन भगवान शंकर के भक्त को पहचान पाना बहुत कठिन, बहुत कठिन शिव को जान पाना बहुत कठिन। दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें हैं, पर शिव की निंदा करने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, शिव भक्त की आंख में आंसू लाने वाला, शिव भक्त के भाव को नहीं समझने वाला, शंकर की कथा को नहीं जानने वाला, वो किसी ना किसी रूप में निंदा या गलत कर बैठता है। पर उसका जो बुढ़ापा होता है, अंत गति जो होती है, वो बड़ी तड़प तड़प कर निकलती है, पहचान नहीं पाता। अभी अभी कल की कथा में या परसों की कथा में वर्णन किया गया स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु, इन तीनों को साधने वाला मेरा शिव है, इन तीनों को संजोने वाला मेरा शंकर है। अब व्यक्ति समझ पाता नहीं, क्रौंच गंधर्व गंधर्व लोक में रहता है, उसको मालूम है कि ये ऋषि है, उसको मालूम है कि सोबरी ऋषि है, और उसको मालूम है कि मनोमयी है, उसको मालूम है कि इनके घर में शंकर जी का शिवलिंग का पूजन रोज होता है, पार्थिव लिंग का पूजन प्रतिदिन होता है, उसको मालूम है कि प्रदोष के दिन शाम के समय इनके दरवाजे पर घी का दिया लगता है, प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ये शंकर के मंदिर शिवालय जाते हैं, प्रदोष के दिन ये शंकर की स्तुति गाते हैं, उसको मालूम है। जो समझ गया उसको एक पत्र दे, मेरा नाम मंजू देवी, पति स्वर्गीय श्री राजेश प्रसाद, मेरा मोबाइल नंबर ये पत्र आज ही आया, कोई देखकर गया होगा तो यहाँ पहुंचा। मेरा नाम मंजू देवी है, पति स्वर्गीय श्री राजेश प्रसाद, मेरा मोबाइल नंबर, मैं पटना की निवासी हूँ और सेक्टर नंबर 63
नोएडा से आया, ग्रेटर नोएडा के पंडाल में केवल एक दिन की कथा सुनी है, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूं। बाबा कहते हैं कि महाराज जी आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में पूर्ण करता है, बाबा पूर्ण करता है। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं और पति नहीं है। परिवार वाले कहते थे कि आज के जमाने में शादी का खर्चा बहुत है और तेरी 2 बेटी युवान है, शादी कैसे हो, कौन इनके लिए लड़का देखेगा और कौन इनका विवाह करेगा, कहां इतना खर्चा होगा, नोएडा जैसी जगह पर कैसे हो। मैं केवल एक दिन की कथा नोएडा के पंडाल में बैठकर सुनी और मैंने बाबा से वहीं बैठकर प्रार्थना करी, बाबा मेरी 2 बेटियां हैं। पर वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि कभी मत कहो कि ये मेरी बेटी है, हमेशा कहता है सीहोर वाला महाराज कि बच्चे अपने मत कहो, ये कहो कि बाबा ये आपकी औलादे हैं और शादी भी आपको करना है, आपकी बच्चियों की शादी आपको करना है, मेरा नहीं बेटा है। आप कभी अपने मुख से मत कहो कि मेरा बेटा है, नहीं गुरुदेव ये बाबा का बेटा है, ये शंकर का बेटा है और शंकर भगवान इसकी नैया पार करके रहेंगे, ये शिव की बेटी है इसकी नैया पार शिव कर रहेंगे। अब मैंने जन्म जब हुआ उसके बाद मैंने इनका हाथ अपने बच्चों का हाथ शंकर जी को पकड़ा, जब मैंने देख लिया कि मेरा कोई नहीं तब मैंने शिव जी को इनका हाथ पकड़ा दिया, मेरे बच्चों का हाथ मैंने शंकर को दे दिया, अब शंकर जाने और उनकी औलाद मेरा कुछ। मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए वहां प्रार्थना करी। आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनते हैं, मेरे बाबा ने मुझे 15 दिन में रिजल्ट दे दिया और 15 दिन के अंदर मेरी 1 बेटी नहीं दोनों बेटी का संबंध मंदा हो गया और बाबा ने ऐसी शानदार शादी कराई गुरुदेव कि मैं बाबा को वंदन करने के लिए प्रणाम करने के लिए आई हूं। बाबा ने मेरी बेटियों की शादी कराई, शिव तत्व शंभू इसी को लाइन अच्छी है, मेरे बाबा दया करना तेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना तेरे भरोसे हो, मैं तेरे भरोसे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, बोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो ना परिवार के भरोसे हो, बोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो, बोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। उसने अपने पत्र में लिखा, मेरी दोनों बेटियां शादी हो गई, शादी भी ऐसी हुई 1 साल के अंदर कि दुनिया के लोग देखते रह जाएं, ये शिव तत्व है, ये हमारा विश्वास हमारा भरोसा हमारी दृढ़ता हमें शिव के करीब लेकर जा रहा है, शिव के। गलत करने वाला व्यक्ति यह नहीं सोचता कि मैंने कितना गलत कर दिया, कितना गलत कर दिया, क्रौंच गंधर्व यह नहीं सोच रहा है कि मैंने कितना गलत कर रहा हूं, किनके घर में प्रवेश कर रहा हूं। स्कंद पुराण कभी मौका लगे तो पढ़िएगा,
गीता प्रेस गोरखपुर की। स्कंद पुराण रेवा खंड गीता प्रेस गोरखपुर का स्कंद पुराण रेवा खंड कहता है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है, जिसके घर में से रोज उसके हंडे का पानी, मटके का पानी, घर का पानी एक लोटा भरकर शिवालय तक जाता है, उस घर की पहरेदारी स्वयं भगवान शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। उसके घर की पहरेदारी स्वयं शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। स्वयं वीरभद्र, शंकर की मूर्ति नहीं, शंकर का शिवलिंग प्रतिबिंब। स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, जिसके घर में शिवलिंग है, जिसके बीच में एक समय आया था जब किसी ने कह दिया था कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लोगों ने उठा उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को विसर्जन कर दिया। बीच में आया था एक समय कि लोगों ने विसर्जन कर दिया था शिव जी का, पर नहीं, हम फिर निवेदन करेंगे सीहोर वाले महाराज को, अगर आप सुनते हो, सीहोर वाले महाराज को आप फॉलो करते हो, उसको सुनते हो, कथा श्रवण करते हो, तो हम तो कहेंगे कि अपनी जिंदगी में एक बार जितनी पुराण है सारी पुराणों का अध्ययन करो और सब पुराण पढ़ो, स्कंद पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, लिंग पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो, तुम्हारी जितनी मर्जी पढ़ जाए, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ये सारे पुराणों का अध्ययन करो। हमसे लोग कह देते हैं, क्यों महाराज जी आप इतनी सारी बातें बताते हो, शिवपुराण में तो हमें पढ़ने को मिलती नहीं है, तो तुम अकेली क्या शिवपुराण में से शिवपुराण बोली जाती है? अगर शिवपुराण की कथा करने के लिए यहां हम बैठे हैं, यहां भोलेनाथ ने अगर बिठाया है, तो वो कथा केवल शिवपुराण की नहीं रहेगी, उसमें से स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, एक एक पुराण का अध्ययन में से उसमें से जो अच्छा निकलता है वो आपके सामने दिया जाता है, आपके सामने। कुछ तो ग्रहण करो। स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है कि जिसके घर में शिवलिंग है, रेवा खंड कह रहा है जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, या घर का जल एक लोटा भराकर शिवालय तक जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर तुलसी के क्यारे में जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर बेलपत्र के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर अगर शमी पत्र के नीचे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक, देवालय तक, तीर्थ तक जा रहा है, किसी स्थान तक जा रहा है, तो समझ लो आपके घर की रक्षा स्वयं वीरभद्र करते हैं। ये कैसे प्रमाणित हो सकता, इसको हम कैसे प्रमाण मान सकते हैं? तो राम कथा उठाइए, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी, मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी उसको लेकर काशी गए, काशी में विद्वान विद्वान ब्राह्मणों के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को रखा गया। विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हम इसको नहीं मानते क्योंकि यहूदी भाषा में, इसमें संस्कृत नहीं है, इसमें संस्कृत के श्लोक नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि यहूदी भाषा में, विद्वान विद्वान ब्राह्मणों ने मना कर दिया, यहूदी भाषा में हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं आप स्वीकार मत करो, मेरे काशी विश्वनाथ तो स्वीकार करेंगे, मेरे शंकर तो स्वीकार करेंगे। दो दिन की कथा पंडाल में हुई और प्रशासन जब मना कर दिया तब वर्धन जी ऊपर बैठे थे कक्ष में और आशीष से बात कर रहे थे, दुर्गेश आशीष ही लोग बैठे बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही वर्धन जी ने, मैं वर्धन यादव जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कहा कि कथा दो दिन की हो गई है पर तीन दिन की कथा पंडाल में नहीं होगी, तो गुरुजी लाखों भक्तों के बीच में कथा कहते हैं, अब इतने भक्त तो यहां आए नहीं, या तो कथा को अपन विराम देंगे। आशीष ने पूछा आप क्या चाहते हो वो बताओ, तो वर्धन जी ने कहा कि कोई आए चाहे ना आए, कोई आए चाहे ना आए, मेरी माँ, मेरी और हमारा परिवार, हमें उम्मीद है कि हम बैठकर कथा सुनेंगे। आशीष ने कहा कि अगर आपका मन है कि आप कथा सुनेंगे, मतलब आपका चित्त शिव से लग गया है, तो यह पक्का है कि महाराज जी भी फिर वो कथा कहेंगे,
क्योंकि कथा भीड़ से नहीं होती है, कथा का क्रम। ये तो शिव भक्त हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं, ये तो शंकर के भक्त हैं जो लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, ये तो शिव भक्त हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं। नहीं तो शिव महापुराण तो आप जहां बैठकर सुनो, जैसे सुनो, दिल से जहां बैठो, जैसे बैठो, शिव तत्व आपके भीतर होना चाहिए, आपके शिव तत्व आपके भीतर हो, आपके इतना विद्वान। अब यहां यहां तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को जब कहा कि आप नहीं स्वीकार करते कि रामचरितमानस अवधि भाषा में है, इसमें संस्कृत नहीं है, तुम मेरी लिखी अवधि भाषा की रामचरितमानस को स्वीकार नहीं करते, तुम मेरा शिव तो स्वीकार करेगा, मेरा शंकर तो स्वीकार करेगा, मेरा भोलेनाथ तो स्वीकार करेगा। बस यही होना चाहिए। भोजन किसके लिए बनाया? शंकर जी के लिए। हमारी नीचे से माताएं जी कह देती हैं विकास पंडित जी को, नीचे से विकास जी कहते हैं हमारे गुरु जी ये घी नहीं खाते, मक्खन नहीं खाते, इतना सारा ये तेल घी नहीं। इतने में नीचे से माताएं कहती है हमने बनाया है ना, तुम तो लेकर जाओ। वो खाएं ना खाएं उनकी मर्जी, वो पाएं ना पाएं उनकी मर्जी, तुम तो ले जाओ। वो नहीं पाएंगे भोलेनाथ जी तो पाएंगे, बाबा को तो भोग लगेगा, तुम लेकर जाओ। अर्थात हमने जो भोजन बनाया वो शिव जी के लिए बनाया, गुरु जी तो बाद में है, पहले शंकर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, शालिग्राम भगवान के लिए, उनके लिए बनाया हमने, बाद में गुरु जी के लिए, पहले पहले भगवान के लिए। तुलसीदास बाबा ने कह दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, आप मेरी रामचरितमानस को स्वीकार नहीं करते, अवधि भाषा में लिखी है, पर मेरा शिव तो स्वीकारेगा। इतने में सारे विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, तुलसीदास जी आपकी लिखी हुई इस रामचरितमानस को हम स्वीकार नहीं करते तो भोलेनाथ क्या स्वीकार करेंगे, काशी विश्वनाथ क्या स्वीकार करेंगे। इतने में सारे ब्राह्मणों ने विचार करा, चलो ठीक है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में सारे वेद पुराण शास्त्र रखे जाएंगे और उसके पास में रामचरितमानस रखी जाएगी। पर चतुरता क्या करी हमने, जब रामचरितमानस को रखा तो साइड में नहीं रखा, रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया और सारे वेद पुराण शास्त्र रख दिए उसके ऊपर और लगा दिया मंदिर में ताला। तुलसीदास जी पहुंचे अपनी कुटिया में, ब्राह्मण जन पहुंचे अपने भवन में, तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे बालाजी, हे मेरे श्री हनुमान जी, ये पवन तनय संकट हरन और मंगल मूरत राम लखन सीता श्री हनुमान जी महाराज से कहा, हे हनुमान जी महाराज, मैंने तो तुम्हारे भरोसे, क्योंकि तुम शिव का रूप हो, हनुमान तुम शंकर हो, इसलिए ये रामचरितमानस आज काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखी है। अब ये अच्छी है नहीं है, स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, मैं नहीं जानता। तुलसीदास बाबा बैठ गए, राम 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 जपने लगे, शिव की स्तुति करने लगे, शंकर का गुणगान करने लगे, बाबा को याद करने लगे। इतनी देर में दूसरे दिन जब ताला खुला तो सारे वेद पुराण शास्त्र नीचे थे, रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी। ये शिव तत्व है। आपकी बात को, आपकी भाषा को, आपके शब्द को कोई स्वीकार करे ना करे, आप इतना ध्यान लगाना कि आप जो कथा कह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, उसे मेरा शंकर स्वीकार कर रहा है, उसको मेरा शिव स्वीकार कर रहा है। दुनिया के लोगों ने देखा कि शिव महापुराण के लोग बहुत सारी कथा सुनने वाले हो गए, शिव पुराण सुनने वाले ज्यादा हो गए, तो दुनिया के लोग शिव पुराण वाचना प्रारंभ कर दिया। वो धन के लिए भले करते हो, पर ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर तुम्हारे इस सुंदर गुड़गांव तक पहुंची है, गुरुग्राम हरियाणा तक पहुंची है, ये विचार मानकर चलना कि ये कोई ये कथा किसी व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं, ये कथा मेरे शंकर को श्रवण कराने के लिए है कि शिव सुनेगा। इतने लाखों शिव भक्त जब आते हैं उनके अंदर शंकर विराजमान होकर आते हैं, इतने शिव भक्त जब आते हैं उनके अंदर शिव तत्व विराजमान होकर आते हैं और वो शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। एक पत्र है, ये भी आज ही आया। मेरा नाम रजनी अरोड़ा है, मेरे पति का नाम अनिल अरोड़ा है, मैं बादशाहपुर की रहने वाली हूं। आप ही हैं? अच्छा अच्छा, मैं बादशाहपुर की रहने वाली हूं। मैं बाबा का दिल से धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। हर्ष जी को और वर्धन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का हमको सौभाग्य दिया। हम बादशाहपुर वाले आपके इस एहसान को कभी जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे कि आपने शिव महापुराण की कथा सुनने का हमें अवसर दिया। गुरुग्राम की ये कथा मैं वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा था, तब मैंने आपकी कथा पंडाल में बैठकर एक दिवस की श्रवण करी और नोएडा की कथा में पहुंची। वहां मैंने बाबा से विनती करी कि बाबा एक तो हमारे गुड़गांव में कथा हो जाए और दूसरा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव,
आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनता है, मेरे बाबा ने मुझे 15 दिन में सुन लिया और मेरे बाबा ने मेरे बेटे की नौकरी केंद्रीय मंत्रालय में लगवा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंची। आ जाओ एक बेलपत्र ले जाओ। बैठ नहीं बस ऐसी आ जाओ ऐसे। शिव तत्व की प्राप्ति, बाबा देव अधिदेव महादेव की प्राप्ति। ओघड़दानी का एक शब्द कहे तुलसीदास बाबा तो कथाकार रसतत्व आनंद में देने वाले। तुलसीदास बाबा की वो रामचरितमानस सबसे ऊपर आकर रखा गया क्योंकि उनको मालूम था मुझे मेरे मैं शिव के लिए करा हूं, मैं शंकर के लिए करा हूं, मैं ओघड़े के लिए करा हूं, मैं देव अधिदेव महादेव के लिए करा। आखिरी में हुआ क्या? लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि शंकर का शिवलिंग, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है कि शंकर का शिवलिंग जहां होता है, जहां शंकर का शिवलिंग है, जिस घर में शंकर का शिवलिंग है, जिस घर में से एक लोटा जल भरकर शिवालय तक जाता है वहां पर शंकर के गण पहरा देते हैं। रामचरितमानस जब तुलसी बाबा लेकर अपनी कुटिया में आ गए, कई ईर्ष्यालुओं के मन को भाया नहीं, इस रामचरितमानस में आग लगा दो। उन्होंने चोरों को भेज दिया, उन्होंने डाकुओं को भेज दिया कि तुलसीदास बाबा जहां रहते हैं वहां से रामचरितमानस को निकाला जाए और उसको निकालकर उसमें आग लगा दी जाए या उसको पानी में डाल दिया जाए। जैसे ही चोर पहुंचे, जैसे ही डाकू पहुंचे आग लगाने के लिए, जैसे ही पहुंचे वहां जाकर चोरों ने क्या देखा, डाकुओं ने क्या देखा कि एक बानर तुलसीदास जी की कुटिया के ऊपर बैठा हुआ था, बंदर ऊपर बैठा। ये आग लगाने का प्रयास करे वो इनको मार मार कर भगा दे। विद्वत जनों ने पूछा क्या तुमने तुलसीदास जी की कुटिया में आग लगा दी? नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि वहां एक बानर बैठा हुआ, एक बंदर बैठा हुआ, एक बानर है वहां, एक बंदर है, वो रक्षा कर रहा। शुमहा पुराण की कथा कहती है जहां शंकर का शिवलिंग है, जहां शिव नाम है, जहां शंकर की स्तुति है, पूरी रामचरितमानस में मेरे राम जी ने शिव की स्तुति करी है, शिव जी ने राम जी की स्तुति करी है। राम के बिना शिव नहीं और शिव के बिना राम नहीं। पूरी राम राम बिना शिव भगवान शंकर की स्तुति कर। तो यहाँ एक बानर रक्षा करता है और यहाँ स्कंद पुराण का रेवा खंड कर रहा है, स्कंद पुराण का रेवा खंड वर्णन कर रहा है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कर रहा है कि आप भगवान शंकर की स्तुति में, भगवान शंकर के भजन में अगर डूबे हो, आपके घर में अगर शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में से एक लोटा जल अगर शंकर के शिवालय तक मंदिर तक जा रहा है, चिंता मत करना। तुम्हारे घर की पहरेदारी जैसे तुलसीदास जी के घर की पहरेदारी हनुमान जी करते हैं, वैसे तुम्हारे घर की पहरेदारी स्वयं शंकर के गण करते हैं, भगवान शिव के गण करते हैं। आप अपनी भक्ति में, आप अपनी अलमस्ती में रहिए। भगवान ओघड़दानी शिव शिव है। कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बारे फसाए, अपने हृदय से लगा लो लगा लो भोले अपने दर से, अब तो नो गिरी जा रही हो उठा लो। भगवान शिव की भक्ति जहाँ शिवलिंग है, जहाँ से एक लोटा जल देवदी देव महादेव के शिवालय तक जा रहा है, वहां उस घर की रक्षा करने वाला स्वयं भगवान शंकर का ही गण होता है। मेरे जितने शिव भक्त भगवान शंकर की कथा का स्मरण करने वाले, जितने शिव जी की कथा का श्रवण करने वाले शिव भक्त हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन अपने घर से एक लोटा जल अपने नजदीक में जो शिवालय है वहां लेकर जरूर जाओ, अवश्य लेकर। क्या होगा? आप जब एक लोटा जल भरकर यहां से घर से लेकर मंदिर तक जाओगे, मंदिर से जब लौट कर आओगे, विष्णु पुराण को पढ़िएगा,
विष्णु पुराण में भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी जी को जब भगवान नारायण दे दिए गए, लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी, भगवान विष्णु जी की सासू जी, ख्याति देवी तो शंकर जी को मानती थी और ख्याति देवी ने यह संकल्प लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ करूंगी, लक्ष्मी मैं शंकर जी को दूंगी। पर भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी के मन की दशा जान ली थी कि वह नारायण से स्नेह करती, तो नारायण के साथ में भगवान शंकर ने ख्याति देवी से कहकर लक्ष्मी जी का विवाह करवाया। लक्ष्मी जी चरणों में पड़ गई कि मुझे आज्ञा करो, मुझे आप आज्ञा दो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, मैं क्या करूं आपके लिए, आपने मुझे नारायण दिया है, आपने मुझे नारायण दिया है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। घर की एक एक बहू को अपनी सास और ससुर का धन्यवाद देते रहना चाहिए जिन्होंने, जैसे लक्ष्मी जी कह रही हैं आपने मुझे नारायण दिया मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, ऐसा आपको कहना चाहिए आपने हमारे को अच्छे पति दिए हैं हम आपके लिए क्या करें, ये बताएं हम आपके लिए क्या, आपने हमें अच्छे पति दिए। तो एक लाइन आती है ना कि सो सो साल जियो हमारी, हम आपने हमारे को इतने अच्छे पति दिए हैं, आपने हमने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ अच्छे हमारे घर में पोता पोती हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, हमारे पति अच्छे, परिवार अच्छा, सब शांति से रह रहे हैं, दो रोटी खा रहे हैं, इससे ज्यादा अगर बड़े बंगले में भी जाकर रह लोगे तो रोटी तो दो ही खाओगे, करोड़पति के घर में भी अगर रह लोगे तो रोटी तो दो ही खाओगे, तो ये तो शिव की कृपा है, शंकर की उदारता, मेरे ओगरदानी की दया, ये मेरे बाबा की करुणा, ये मेरे शंकर की उदारता है, मेरे शिव की कृपा है, ये उनकी कृपा, और मेरे ओघड़ बाबा की कृपा से, मेरे शिव जी की कृपा से, मेरे शंभू की कृपा से सुख की अनुभूति है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी जी बोल रही है, माता लक्ष्मी जी प्रणाम कर कर कह रही है, माता लक्ष्मी जी निवेदन कर रही है, माता लक्ष्मी जी कह रही है कि आप बताइए बाबा, भोलेनाथ जी से कह रही है आप बताओ मैं क्या कर सकती हूं। शंकर भगवान ने कहा सुनो लक्ष्मी, मेरे मंदिर के बाहर, मेरे मंदिर के कक्ष में जहां नंदी बैठे उसके नजदीक में आप भी रही है, जब कोई शिव भक्त अपने घर से जल लेकर आए, एक लोटा जल मुझे चढ़ाए, जब वो अपने घर को कलश लेकर लोटा लेकर वापिस जाए उसका लोटा खाली नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी तू स्वयं उसके अंदर बैठकर उसके घर तक चली जा, स्वयं जा। बोलबम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तू उसके पीछे पीछे चले। आज लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया के काम हो रहे हैं, सारी दुनिया के जो जहां लोग बैठकर कथा सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, लोटा भर के जल चढ़ाना चालू करते हैं उनका काम हो जाता है, कोई भाव से सुनता है उसका काम हो जाता है, आखिर एक लोटा जल में क्या है, शिव महापुराण में क्या है, उसके पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्यों इतना लाभ मिलता है, शिव खाली नहीं भेजते, खाली नहीं भेजते। और ये कथा जो श्री वर्धन जी यादव जी यादव परिवार करा रहा है गुड़गांव में, ये तो आज विराम हो जाएगी, 12 तारीख से सीहोर में जो 7 दिवसीय कथा है वो चलेगी अग्रवाल धर्मशाला में, जो सीहोर के लोग हैं वो अग्रवाल धर्मशाला में श्रवण करेंगे, और बाहर से भी अगर कोई शिव भक्त वहां पहुंचते हैं तो उनसे निवेदन है, इतनी जगह तो धर्मशाला में रहती नहीं है, फिर भी आप भाव से सुन सकते हो तो कुबेरेश्वर धाम पे आराम से रुको, कुबेरेश्वर धाम पर भोजन करो और कथा सुनने के लिए अग्रवाल धर्मशाला पहुंचो और वापिस वहां पहुंचो, मना नहीं। 18 तारीख तक चलेगी, फिर 20 तारीख से 24 तारीख तक छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, फिर 26 तारीख से 2 तारीख तक फिर वो कथा बड़े आनंद के साथ नांदगांव नासिक जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का रसत्व अपने भीतर होता है, शंकर भगवान का चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये निश्चित है, एक एक पुराण में एक एक शास्त्र में देख लीजिए, पंडित जी पूजन कराने बैठेंगे तो लोटा पास में रखेंगे, जन्म से लेकर माता के घर में जब अपना जन्म होता है, माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उस समय से लोटा काम आता है, छठी की पूजन कराना है, ये पूजन कराना है, वो पूजन कराना है, कलश सिर पे लिया पूजन कराई उस दिन से कलश, उस दिन से लोटा चालू होता है, आखिरी में व्यक्ति मरता है तो लोटे में भरा के गंगा जल पहुंच जाता है, लोटा शुरू से चला आखिरी तक चला और सारी समस्या का हल एक लोटा
जल, बस वो जल, एक लोटा जल जो हम शिव को दे रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो सहज नहीं। खूब भक्ति, तुम्हारे घर की रक्षा करने वाला स्कंद पुराण रेवा खंड कहता है, जिसके घर में शिव है उसकी रक्षा स्वयं शिव करता है, स्वयं उसके गण करते, स्वयं। महाराज सोबरी ऋषि सिर पर लिए हैं शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग, मनोमय घर के दरवाजे पर खड़ी थी, अपने पति शंकर को लेकर जा रहे थे तो प्रणाम कर रही, प्रणाम। शंकर जी को लेकर जैसे सोबरी ऋषि गए मनोमयी घर के अंदर, मनोमय पुरोंच गंधर्व आ गया, कौन सा अच्छी जगह पर रहने वाले की भी बुद्धि फिर जाती है, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वाले की भी बुद्धि फिर जाती है कभी कभी, अच्छा नहीं देखा जाता, श्रेष्ठ नहीं देखा जाता, अच्छी चीज नहीं देखी जाती, बुद्धि फिर गई, बहुत बुद्धि फिर गई। और क्रोंच गंधर्व मनोमय की सुंदरता देख रहा था, मनोमय की सुंदरता, जो मनोमय की सुंदरता क्रोंच गंधर्व ने देखी, और मनोमय का पति गए सोबरी ऋषि तो विसर्जन करने के लिए शिवलिंग का, क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर गया सोबरी ऋषि के घर में, मनोमय अंदर रसोई घर में कार्य कर रही थी और वहीं पर क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर जाता है, वहीं पर क्रोंच गंधर्व अंदर पहुंच जाता है, मनोमय अपने कार्य में लगी, उसके स्मरण में नहीं आया कि कोई मेरे कक्ष के अंदर प्रवेश कर गया। क्रोंच गंधर्व अंदर प्रवेश करा, मनोमय का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर खींच कर लेकर जा रहा था, इतने में सोबरी ऋषि आ गए, शिवजी का विसर्जन कर सोबरी ऋषि आए, और सोबरी ऋषि जैसे ही विसर्जन कर आए, आकर जो देखा तो हाथ का पात्र सोबरी ऋषि का नीचे गिर गया, मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर, मनोमय का हाथ पकड़कर कोई लेकर जा रहा, देखा देखते से ही पहचान गए सोबरी ऋषि, ये तो क्रोंच गंधर्व है, तू गंधर्व लोक में रहता है, इतने ऊंचे पद पर रहता है, इतने देवताओं के करीब में रहता है, उसके बाद भी तेरी बुद्धि फिर गई और तू मेरी पत्नी का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है, तुझे मालूम नहीं कि किसके घर में प्रवेश करा है तू, तुझे ज्ञात नहीं कि कहां तू प्रवेश कर गया। क्रोंच गंधर्व को देखा, क्रोंच गंधर्व ने मनोमयी का हाथ छोड़ दिया, मनोमयी का हाथ छूटा, सोबरी ऋषि ने हाथ में जो विसर्जन कर आया था, जो विसर्जन भगवान शिव जी का करा था, आते समय थोड़ा सा जल लेकर आए थे, एक नियम है आप लोगों के यहाँ पर है कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है कि गणेश जी विसर्जन करने जाओ, चाहे देवी जी विसर्जन करने जाओ, चाहे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने जाओ, तो जिस तालाब में, कुंड में, सरोवर में, जल में हम विसर्जन करते हैं, वहाँ विसर्जन करने के बाद थोड़ा सा जल उस पात्र में, जो पात्र होता है, थाली हो, बर्तन हो, भांडा हो, जो भी, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आते हैं, उस जल को लाकर अपने घर के अंदर छींकते हैं। क्यों? और ये बात हमने कथा में भी कही, कई बार कही कि शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल अपने कलश में जरूर लेकर आओ, खाली मत आइए, थोड़ा सा लेकर आइए, खाली मत आओ, उसको थोड़ा सा लेकर। अब सोबरी ऋषि के हाथ में वो जल का पात्र था, उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर उन्होंने श्राप दे दिया, रे क्रोंच गंधर्व मैं तुझे श्राप देता हूं, हे क्रोंच मैं तुझे श्राप देता हूं, तू गंधर्व होकर ऊंचे पद पर बैठने के बाद, ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने के बाद भी तूने मेरी पत्नी को छलना चाहा, मैं तुझे श्राप देता हूं, अगर मैंने दिल से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा है, मैंने दिल से पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जैसे चुपचाप से आकर मेरे घर में घुसा, ऐसे ही तू चूहा बनकर प्रवेश करेगा जगह जगह, तू चूहा बन जाएगा। रोने लगा गंधर्व, आंख से आंसू बहने लगे, आंख से आंसू, नेत्रों से जल बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, और नेत्रों से जल बहते बहते, नेत्रों से जल बरसते बरसते, क्रोंच गंधर्व थोड़ी ही देर में जल बहते बहते जैसे चूहा बन गया, चूहा बनते से जो शंकर जी का अभिषेक करा था, पूजन करा था, पूजन कर जो विसर्जन करा था, पूजन के वहीं पर थोड़े बहुत अक्षत के दाने पड़े हुए थे, थोड़े बहुत सामग्री पड़ी हुई थी, उस क्रोंच गंधर्व ने चूहे बनकर उसको खाया, और
और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे यार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जगत को सुखी देखना चाहते हो तो स्वयं सुखी रहिए। एक प्रसंग आता है, एक पति बीमार पड़ गए, पत्नी उसको लेकर डॉक्टर के पास गई और पत्नी जब उसको लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसको चेक करा और चेकअप कर कहा तुम्हारे पति को आराम की बहुत जरूरत है, बहुत, तुम्हारा पति बहुत बीमार है, इसको आराम की बहुत जरूरत है, इसको आराम करना है, मैं ये नींद की गोली लिख रहा हूं, ये लेकर जाना। पत्नी ने डॉक्टर साहब से पूछा नींद की गोली इनको कितने बजे खिलाऊं? डॉक्टर साहब ने कहा नींद की गोली पति को नहीं खिलाना है, तुझे खाना है। तुझे खाना है, इसको आराम की जरूरत है, गोली तू खा, तू नींद लेकर सो जाएगी तो ये बापड़ा बेचारा वैसे ही आराम कर लेगा, इसको आराम की जरूरत है। सुबह रेत जब उठती है और बच्चों को जब स्कूल भेजती है उस समय से तेरा चालू होता है, उठ जा उठ जा, उठा नहीं, स्कूल जाना है, वैन आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, जल्दी कर जल्दी कर। सुबह से जय चिल्ला जय चिल्ला, इतने में सास की नेत्र खुल जाते हैं, वो कहती है टिफिन में बना दूंगी, तू बच्चों को तैयार कर ले, तू कर तैयार। टिफिन बनाने में सास जुट जाए, माँ तैयार करने में, और ऐसी तैयार कर पुरा के तो भी बेल्ट कहाँ गया, सामान कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, और ढूंढ 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 बड़ी मुश्किल से उनको तैयार मैयार करके बैग टांग के फिर बस में छोड़ेगी, ऑटो में बिठाएगी, जैसे ही बिठाएगी बच्चे बाय करेंगे, मम्मी बाय, बच्चे इसलिए बाय करते हैं बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है, बड़ी मुश्किल। और फिर जो चिल्लाया चिल्लाया चिल्लाया, कई बार तो इतनी तेज चिल्ला देती है कि पास में जो पलंग पर सोया रे पति वो भी कह देता है तेरे हाथ जोड़ू, तेरे हाथ जोड़ू, शांत थोड़ा शांति रख, थोड़ा शांति रख, खूब चिल्लाया खूब। अच्छा ईमानदारी से बोलो, पूरी बचपन की जिंदगी बच्चों की आज के समय में जितनी बर्बाद हुई है इतनी बचपन की जिंदगी पहले कभी बर्बाद नहीं। पढ़ो, ये मत करो, सही से बैठो, ऐसे करो, क्या कर रहे हो? सुबह 6 बजे से टोकना चालू होता है, रात को 9 बजे तक जब तक बच्चे नींद सो जाएं तब तक टोकना 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 टोकना। बेचारा बच्चा जंगल का शेर बनना था, उसे सर्कस का शेर बना दिया। बच्चे को जंगल का शेर बनना था। आज के जमाने में बच्चों को प्रबल बनाइए, बच्चों को प्रबल बनाने की जरूरत है। जंगल का शेर बनाने का प्रयास करो, सर्कस का शेर नहीं कि दूसरे के चाबुक पर घूम जाओ। क्या कर रहे हो? ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए, वैसा ना करिए। तुम्हारे घर के बच्चे स्कूल से आने के बाद स्कूल की सारी बातें अगर तुम्हें बता रहे हैं तो समझ लेना कि तुम्हारा बच्चा जिंदगी में कभी नहीं बिगड़ सकता, वो तुम्हारे कहने पर ही चलेगा। मम्मी आज टीचर ने मेरा कान खींचा था, मम्मी आज टीचर ने ऐसा कहा था, मम्मी आज टीचर ने ये पढ़ा। बच्चे अगर बता रहे हैं, अपने माता पिता को सब कुछ बता रहे हैं तो तुम्हारा बच्चा कभी नहीं बिगड़ सकता। बच्चा उनका बिगड़ता है जो अपने माता पिता को कुछ बताता ही नहीं है, अपनी मर्जी से जी रहा है। स्कूल में जो हो रहा है निपट लेंगे, कर लेंगे, जो होगा होमवर्क करा ना करा सब अपनी मर्जी से चल, सब अपनी मर्जी। बच्चों को बहुत बांधने की जरूरत नहीं है, बच्चों को बांधने की जरूरत पड़ती है जब बच्चा 11th में पहुंचे, 10th में पहुंचे, 12th में पहुंचे, तब उसको खींचने की जरूरत पड़ती है। बच्चे जब छोटे हैं उनको खूब आनंद से अपनी जिंदगी जीने दो, खूब अलमस्ती के साथ में। बच्चा एकदम नहीं कुछ काम करता, सुस्त होकर बैठ जाता है तो फिर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, ये कुछ बोलता नहीं है गुरु जी, डॉक्टर साहब इसका कोई तोड़ है क्या, ये बोलता नहीं है। डॉक्टर साहब ने उसको टेबलेट दे दी, ऐसी ऐसी दवाइयां देता गया, डॉक्टर का हाई डोज देता गया, बच्चा शुद्धि में रहने लगा, उसका ध्यान चले गया, उसकी विचार दृष्टि चली गई, वो कुछ सोच ही नहीं पाता था। बच्चा जितना आनंद के साथ खेले खेलने दो, बच्चा जितना आनंद के साथ पढ़े उसे पढ़ने दो, उसको टॉर्चर ना करिए बार बार, जरा जरा सी बात के लिए टॉर्चर ना किया जाए।
उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटी जागी भोले मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतन शंभो, में तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। एक प्रबलता का भाव रखी। पंच गंधर्व ने चूहा बनकर भगवान के अभिषेक का थोड़ा वो तक्षत का दाना, कुछ सामग्री पड़ी होगी, उसको पा लिया। सही कहे ना, अगर ईमानदारी की बात में अगर बात वर्णन करें, शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर आती है, बड़ी कभी आप स्मरण करिएगा अपने चित्त का, अपने आनंद का। महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर, थोड़ा दुनिया के लोगों को बल गए पर सत्यता का प्रतीक है। शिव महापुराण की कथा में एक बात आती है, जिसके घर में शिवलिंग नहीं, जिसके घर में शिवलिंग नहीं, शंकर का शिवलिंग जिसके घर में नहीं है, उस घर का अन्न का भाग ग्रहण करना भी श्रेष्ठतम नहीं है। कारण क्या है? आप आए हो किसी के घर में, आपने वहां से बिस्कुट लिया, आपने उसके यहां से रसिया ले लिया, बिस्कुट ले लिया, कोई मिक्सचर ले लिया, कोई सेम ले लिया, तुमने सेब ले लिया, केला ले लिया, खा लिया। पर उसके घर में अगर शिवलिंग रहता है तो उसके रसोई घर में जितनी सामग्री रहती है वो शंकर की दृष्टि में रहती है। शिव के पास पहुंची ना पहुंची पर रसोई घर में बना है, शंकर की कृपा मतलब शिव का घर है। शंकर के घर की वस्तु का पान करना हमारे लिए श्रेष्ठता। कहते हैं शिवालय भगवान शंकर का जो घर में शिवलिंग होता है वहां मेरा उघड़ दानी अकेला नहीं रहता। जिसके घर में शिवलिंग रहता है उसके घर में अन्नपूर्णा, स्वयं गणेश, रिद्धि सिद्धि और पूरा परिवार विराजमान रहता है। बोल बम का नारा है बाबा ए सहारा। आप शिव तत्व को जानेंगे, शिव को पहचानेंगे। भगवान शिव तत्व क्रौंच गंधर्व चुहा बन गया, चुहा बनकर थोड़ी सी सामग्री, भगवान के अभिषेक की सामग्री थोड़ी सी पड़ी थी, दो चार चावल का दाना। अभिषेक करते हो सकता है थोड़ी सामान नीचे गिर जाता, उसमें से एक चावल का दाना, दो चावल का दाना क्रौंच गंधर्व ने चूहा बनकर ले लिया, ग्रहण कर गया। और क्रौंच गंधर्व जैसे चूहा बनकर ग्रहण करा, शिव की कृपा हो गई। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर पर चढ़ा जल, शंकर पर चढ़ा प्रसाद, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र। शिव महापुराण की कथा कहती है भूल से भी शंकर का चढ़ा जल आचमन कर लिया या बेलपत्र का सेवन कर लिया भगवान शंकर। शिव महापुराण में एक जगह पर लिखा हुआ है विदेश्वर संहिता में कि शिव का प्रसाद अगर कोई तुम्हारे हाथ में दे दे, शंकर का प्रसाद हाथ में दे दे, उस प्रसाद का स्वयं ग्रहण करना चाहिए, एक मिनट की देरी मत करो। आप में से किसी ने 16 सोमवार करें, अरे वाह, रखिए रखिए। 16 सोमवार की पुस्तक में लिखा है शंकर भगवान का जिस दिन 16 सोमवार का व्रत होता है, माताएं चूरमा बनाती हैं, मलिदा बनाती हैं, क्या बोलते हैं इधर वो आप जाना, चूरमा बनाती हैं या जो भी मिश्री से करे, चूरमे से करे, जिससे आप करते हो, वो चूरमे के तीन हिस्से होते हैं 16 सोमवार के व्रत में। तीन हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा जो व्रत करती है उसका रहता है। पुस्तक में लिखा है 16 सोमवार का प्रसाद रात भर नहीं रखा था, याद है आप लोगों को, जिनने व्रत करे होंगे इनके स्मरण में होगा। आपने चूरमा बनाया वो उसी दिन खत्म होना चाहिए, रात भर नहीं रखाएगा। 16 सोमवार करने वाली माताएं, संकट सोमवार करने वाली माताएं, व्रत करने वाली माताएं ये जानती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में भी लिखा शंकर का कोई प्रसाद दे दे तो उसको रात भर नहीं रखना, तुरंत जैसे ही हाथ में आया प्रणाम कर लो और उसको पा लीजिए। भगवान का दर्शन हो जाए, प्रसाद मिलते से एक क्षण की भी देरी ना करी जाए, एक क्षण।
पांच दिन की शिवपुराण में चार दिन जो बेलपत्र यहाँ से मिलती है वो रोग मुक्ति की रहती है, सात दिन की कथा में छह दिन बेलपत्र मिलती है वो रोग मुक्ति की मिलती है, और आखिरी दिन की जो बेलपत्र होती है वो भंडार की होती है। वो भी मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने अपनी जटा में से बेलपत्र को उतार कर तुमरुका जी को दिया था। तुमरुका जी ने उस बेलपत्र को जनमानस के कल्याण हेतु दिया। आखिरी दिन की बेलपत्र कुबेर भंडारी की रहती है लक्ष्मी, पर बाकी के दिन की जो बेलपत्र होती है, जो पांच दिन बेलपत्र मिले चार दिन बेलपत्र मिले, उस बेलपत्र को हाथ में मिला घर ले गए, रात भर नहीं रखा, उसको पा लेना चाहिए, घर के लोग खा लें आप खा लो मना नहीं, परंतु वो रोग मुक्ति के लिए, रोग निवारण। और आखिरी दिन की बेलपत्र तो हम झोली पसार कर भगवान से विनती करके, क्रौंच गंधर्व एक अक्षत का दाना खा लेता है तो वाणी उसकी शुद्ध हो जाती है, क्षमा मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। स्वयं सोभरी ऋषि कहते हैं क्रौंच, किसी पर स्त्री पर निगाह देना, पर स्त्री को स्पर्श करना, यह श्रेष्ठ नहीं है। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, पर स्त्री पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को नष्ट कर देता है, नष्ट। क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो वर दे दिया, रहोगे चूहा, रहना तुम्हें चूहा ही है, बस इतना है कि तुम गणेश जी के साथ रहकर पूजा जाओगे, इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी महाराज तो आते ही हैं, साथ में वो क्रौंच गंधर्व भी चूहे के रूप में आता है, क्रौंच गंधर्व भी चूहे के रूप में पहुंचता है। आगे वर्णन आया है भगवान शंकर के पावन चरित्रों का स्मरण कराया है, सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराते हुए भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है, और बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला भाव से श्रवण करी गई शिव महापुराण की कथा जीवन का सुख प्रदान करने वाली, भाव से श्रवण करने वाली शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन को एक फल प्रदान करती है। चंचुला, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, उस काया के रोग से वो मुक्त नहीं हो रहा था, तो भगवान शंकर की आराधना बालू का शिवलिंग बनाकर करी, तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसको काया के रोग से मुक्त करा, काया के रोग से मुक्त हुए तो भगवान शंकर वहीं पर विराजमान हुए और उनका नाम श्री सोमेश्वर महादेव हो गया। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, षडानंद कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले जाते हैं, श्री शैलम पर जाकर बैठ जाते हैं, तो भगवान शंकर पार्वती उन्हें मनाने के लिए पहुंचते हैं और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति स्वयं प्रकट होते हैं, 84 रूप में मां छिप्रिया छिप्रा भगवान महाकाल को विभाजित करती हैं और 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर वहां विराजित होते हैं। कालाधिपति बनकर भगवान शंकर ने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, शिव जी का नाम महाकाल हुआ। अगला वर्णन है श्री ओमकारेश्वर का, विंद नामक पर्वत ने तप कर भगवान शंकर को ओम का नाद कर विराजमान किया और मां नर्मदा ओम के आकृति में यहां प्रवाहित हुई और भगवान शिव जी का नाम ओमकारेश्वर हुआ। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ का, नर नारायण ने तप साधना कर भगवान शिव को विराजित किया, यहीं पर तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष विदुमाली और कमलाक्षकी ने भगवान शंकर के साथ युद्ध किया और शिव जी का सिर कटकर नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ बन गए, धड़ गिरा केदारनाथ बन गए, नर नारायण के तप करने पर भगवान शिव यहां प्रकट होते हैं, होल केदारेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आता है श्री भीमाशंकर, भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। भीम को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी को देवताओं ने मारा है, तो उससे बदला लेने के लिए सारे देवालय शिवालय तोड़वा दिए गए, तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा और शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ, मनु सतरूपा ने तप कर भगवान शंकर को यहां विराजमान किया, भगवान शिव मनु सतरूपा के कहने पर गंगा जी को लेकर आए, काशी में गंगा विराजमान हुई और भगवान शंकर काशी विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, माता अहिल्या ने अपने पति के ऊपर से गौ हत्या के दोष को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किया 3 शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए, त्र्यंबक के रूप में, और गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष से मुक्त करा, भगवान शंकर का नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव कर दिया, बोल त्र्यंबकेश्वर महादेव की। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का, रावण
भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, बीच में शिवलिंग को भूमि पर रख दिया, शिवलिंग उठा नहीं। जब वो शिवलिंग नहीं उठा, ले जाने में थक गए, तब भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आता है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर विराजमान। फिर वर्णन आता है रामेश्वरम का। भगवान राम लंका पर जब चढ़ाई करने के लिए गए, उनको मालूम था लंका विजय करना बहुत कठिन है, तब भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करा, और शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव शिव पूजन कर भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करें। शिव जी रामेश्वरम के रूप में पूजाए हैं, रामेश्वरम के भगवान शंकर विराजमान। अगला वर्णन आता है घृष्णेश्वर का। घृष्णेश्वर बाबा सुधर्म नाम के एक ब्राह्मण है, और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी दो है, एक सुदेहा एक घुष्मा। घुष्मा के घर में संतान है, पर सुदेहा को संतान नहीं। अब सुधर्म ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी धर्म पत्नी एक को संतान है दूसरे को नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सुदेहा को आप अपना संतान दे दीजिए। घुष्मा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली से, जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने तुरंत अपनी सास को पूछना बंद कर दिया। जब सास को पूछना बंद करा, क्रोध आया सास को, बेटे के टुकड़े कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। घुष्मा को मालूम पड़ा मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। घुष्मा ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, आराधना करी, सिर पर शिवलिंग को धारण कर तालाब में विसर्जन को गई। जैसे विसर्जन को गई तो मन में आया मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, बाबा मुझे दर्शन करा दो। एक हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तालाब में से तैरता हुआ बाहर आ गया। घुष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित कर दिया। शिव जी का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। भगवान तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 12 ज्योतिर्लिंग का जो प्रबल स्वरूप को श्रवण करता है, भाव से श्रवण करता है, अपने जीवन में उतारता है, वो जीवन का सारा सुख पा जाता है। चंचुला का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि से मुक्त होकर बिंदुक देव स्वरूप वस्त्र धारण कर देवलोक को जाता है, और चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर ली। आगे वर्णन आता है भगवान ओघड़दानी, भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिन्होंने संपूर्ण जगत का एक आनंद सुख को प्रदान करा। मेरे ओघड़ बामा ने कहा, सुनो बिंदु चंचुला तुम रुका जी, ये पवित्र कथा विराम हो रही है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगो मैं तुम्हें देने को तैयार। तुरंत तुम रुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण किया, षडाक्षर मंत्र का स्मरण किया, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवान के पंचाक्षर मंत्र का षडाक्षर मंत्र का स्मरण किया, और भगवान शिव से कहा, बाबा बस इतनी कृपा करो जो भाव के साथ में शिवमहापुराण की कथा का स्मरण करे, जो शिवमहापुराण कथा का सुंदर भाव से श्रवण करे, जिस भाव से कथा का रिस्पान करे, बाबा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मेरे बाबा ने कथा से कहा और बाबा आशीर्वाद दिए। भगवान शंकर ने वर दिया, आशीर्वाद दिया, और देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का रिस्पान करते हुए बिंदुक चंचुला अपने धाम को जाते हैं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु गुरुग्राम हरियाणा में ये पवित्र कथा आयोजित थी। 5 दिवसीय कथा स्वर्गीय श्री महेश जी यादव जी की स्मृति में श्री टेकराम जी यादव, श्री मुकुल जी यादव, श्री हर्ष जी यादव, श्री वर्धन जी यादव, श्री लक्ष्य जी यादव, यादव परिवार द्वारा ये पवित्र कथा गुरुग्राम में हरियाणा की पवित्र भूमि पर चल रही थी। 2 दिवसीय कथा पंडाल में रही, 3 दिवसीय कथा ऑनलाइन रही। श्री वर्धन जी यादव जी के इस निज निवास से इस कथा का लाभ आप और हमने लिया। मैं संपूर्ण श्रोता भाई बहनों को, आस्था चैनल के सभी भाइयों को, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप लोगों ने बड़े दिल से इस पवित्र कथा को भादो के महीने में श्रवण किया। भगवान शंकर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, जो जिस भाव से इस कथा को सुना है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मेरे शंकर का एक नाम मनकामेश्वर महादेव है, शिव आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। ये भाव के साथ 5 दिवसीय कथा हरियाणा की पवित्र भूमि पर आज विराम ले रही है। फिर पुनः 12 से 18 सितंबर तक की जो कथा अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में है वो टीवी पर नहीं आएगी। 20 से 24 सितंबर वाली जो श्राद्ध पक्ष की कथा है 5 दिवसीय कांटा कुरिडीह कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में,
वो कथा टीवी पर आएगी, उस कथा का 1 बजे से 4 बजे तक अपन लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। श्राद्ध पक्ष की पहली कथा 20 से 24 सितंबर तक रहेगी और श्राद्ध पक्ष की दूसरी कथा 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगी। जो अमावस्या तक चलेगी श्राद्ध पक्ष के 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की कथा नांदगांव नासिक महाराष्ट्र में होगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। बड़े भाव के साथ में ये पवित्र कथाओं का लाभ आप और हम लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। बाबा देवाधिदेव महादेव की ये कथा को अपने जीवन में उतारिए। नजदीक में कथा हो, बड़े प्रेम से श्राद्ध पक्ष की कथा का लाभ लें और श्राद्ध पक्ष में जो 16 दिन अखंड भंडारा विठले सेवा समिति की ओर से सीहोर में भी कुबेरेश्वर धाम पर और साथ में कथा स्थल पर चले, उसके सहभागी बने और अपने जीवन को आनंदित करें। मैं बहुत बहुत साधुवाद यादव परिवार को देता हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लिया।